गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम राकेश, स्वागत है आपका शारदा स्टडी क्लासेज में। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और उस नए टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश कन्वर्सेशन टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है ट्राइड ऑफ वर्ब फोर। तो ट्राइड ऑफ वर्ब फोर क्या होता है और इसका सेंटेंस क्या होता है, इसका सेंटेंसेज का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। तो चलिए, अभी क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है, ऐसे पर्सन है जो अंग्रेजी में बात करना चाहता है, अंग्रेजी में बोलना चाहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले कुछ ग्रामर का टॉपिक है उसे पढ़ना चाहिए, तब हम स्पोकन टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो चलिए, आज का जो स्पोकन टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्राइड ऑफ वर्ब फोर, इसका सेंटेंस कैसा होता है और इसका सेंटेंस का यूज हम लोग किस तरह से करते हैं। तो चलिए ट्राइड ऑफ वर्ब फोर के बारे में कुछ जानते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है ट्राइड ऑफ वर्ब फोर, TRIED, ट्राइड ऑफ वर्ब फोर, इसका सेंटेंस क्या होगा। तो यहां पे देखिए कुछ ऐसे वर्ड है जो हमें पता चल रहा है, ट्राइड का मतलब होता है थक जाना, क्या होगा थक जाना। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, ऐसा वाक्य, क्या होगा ऐसा वाक्य जिसमें कोई व्यक्ति जो होता है कोई काम करते करते पूरी तरह थक जाता है। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि मैं पढ़ते पढ़ते थक गया हूं, है ना, वह जाते जाते थक गया है, मैं खेलते खेलते थक गया हूं, मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूं, वह याद करते करते थक गया है। इस तरह के कुछ भी सेंटेंस जिसमें कोई पर्सन जो रहता है किसी एक्शन को करता है और वह काम करते करते वह पर्सन जो होता है थक जाता है, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राइड ऑफ वर्ब फोर का यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के तहत और उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्राइड ऑफ वर्ब फोर का यूज करके सेंटेंस को पूरी तरह कंप्लीट करते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस हम लोग लिखते हैं ट्राइड ऑफ वर्ब फोर का। तो मैंने यहां पे कुछ सेंटेंस को लिखा है ट्राइड ऑफ वर्ब फोर का, ठीक है। तो फिर से यहां पे समझते हैं ट्राइड ऑफ वर्ब फोर क्या है। ट्राइड ऑफ वर्ब फोर जिसमें कोई व्यक्ति जो रहेगा, जिसमें कोई पर्सन जो रहेगा कोई काम करते करते थक जाता है, है ना। जैसे कि वह काम करते करते थक गया है, मैं टीवी देखते देखते थक गया हूं, आप लोग यह पढ़ाते पढ़ाते थक गए हैं, मैं तुमसे बात कर करके बोर हो गया हूं। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस जो होता है जिसमें कोई पर्सन होता है पूरी तरह कोई एक्शन करते करते थक जाता है, बोर होने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं ट्राइड ऑफ वर्ब फोर का यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ट्राइड ऑफ वर्ब फोर, यानी कि इसमें जो भी वर्ब होगा जो भी एक्शन होगा उसका क्या करना है, आईएनजी फॉर्म को लगाना है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है ट्राइड ऑफ वर्ब फोर का कुछ वर्ड, थक गया हूं या बोर हो गया हूं, ठीक है। और इसका यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, चलिए इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूं। तो आप लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात आती है, तो हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता होगा आई होप कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एमीजार जो होता है हो हूं का सेंटेंस का होता है, वाज बेयर जो होता है था थे थी का होता है, ठीक है। तो अगर इससे पहले आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं जाने हैं तो शारदा स्टडी क्लास पे जाकर देख ले, हेल्पिंग वर्ब के बारे में पूरा फुल एक्सप्लेनेशन एक वीडियो बना हुआ है। तो चलिए हम लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मैं अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूं, तो मैं का क्या होगा आई, ठीक है। और यहाँ पे हूं है तो आई एम क्या होगा, आई में क्या लगता है एम, आई एम ट्राइड ऑफ, क्या लिखेंगे आई एम ट्राइड ऑफ, आई एम ट्राइड ऑफ हो गया। अब क्या थक गया हूं, क्या करते करते थक गया, पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ाना का क्या होगा टीचिंग, टीचिंग। मैं अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूं, आई एम ट्राइड ऑफ टीचिंग, क्या हो जाएगा इंग्लिश। यहाँ पे क्या करते हैं इस तरह से सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं, आई एम ट्राइड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, वह काम करते करते बोर हो गया है, तो वह का क्या होगा यहाँ पे ही, और ही में क्या लगेगा इज, ही एम नहीं होगा ही इज लगेगा, तो ही इज ट्राइड ऑफ, ही इज ट्राइड ऑफ, क्या करते करते थक गया, काम करते करते, ही इज ट्राइड ऑफ डूइंग वर्क, क्या होगा डूइंग वर्क, वह काम करते करते थक गया है। फिर यहाँ पे मैंने एक और सेंटेंस लिया है, हम लोग भाषण सुनते सुनते थक गए हैं या हम लोग भाषण सुनते सुनते बोर हो गए हैं, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हम लोग का क्या होगा वी, और वी में क्या लगेगा आर, है ना, वी आर ट्राइड ऑफ, वी आर ट्राइड ऑफ, वी आर ट्राइड ऑफ, और सुनते सुनते भाषण सुनते सुनते, तो सुनना सुनना क्या है काम है, सुनना क्या होगा लिसन,
L I S T E N, ऐसे हेयर भी होता है, यहाँ पे लिसन भी होता है, वी आर ट्राइड ऑफ लिसन एस पी सी लिसनिंग है ना, यहाँ पे लिसनिंग होगा भरपूर लिसनिंग स्पीच स्पीच ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कि वह दौड़ते दौड़ते थक गया है, वह दौड़ते दौड़ते थक गया है, तो ही इज ट्राइड ऑफ क्या हो जाएगा रनिंग, वह दौड़ते दौड़ते थक गया है, तो ही इज ट्राइड ऑफ रनिंग। इस तरह के कुछ भी सेंटेंस रहेगा, मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूं, मैं खाते खाते थक गया हूं, आप लोग काम करते करते थक गए हैं, वह यहां आते आते थक गया है, तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस रहेगा तो ट्राइड ऑफ वर्ब फोर का यूज करना है, बशर्ते यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो चेंज होता रहेगा। अगर यहाँ पे रहेगा मैं अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते थक गया था, तो क्या करेंगे, आई एम नहीं लगाएंगे, आई वाज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हो हूं जो होता है एम इज आर का सेंटेंस होता है, और वाज बियर जो होता है था थे थी का सेंटेंस होता है। अगर रहेगा मैं अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते थक गया था, तो आई वाज ट्राइड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि जो सेंटेंस है वही रहेगा। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं वाज बियर का यूज करके हम लोग सेंटेंस को पूरी तरह पास्ट में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पे ट्राइड ऑफ वर्ब फोर का था, आई होप इस वीडियो को आप लोग पूरी तरह समझ चुके होंगे, इस टॉपिक को पूरी तरह समझ चुके हैं होंगे। अगर आप अभी तक शारदा स्टडी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर जाकर शारदा स्टडी क्लास को ज्वाइन कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जो भी वीडियो और जो भी इस तरह के स्पोकन ट्रांसलेशन आएगा तो सबसे पहले आपके आपके मोबाइल पे पहुंचेगा। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपका दिन अच्छा हो, थैंक यू।